बिग अवार्ड्स की रंगीन शाम। रंगीन शाम को और भी खुशनुमा बनाने पहुंचे बॉलीवुड के कई टॉप स्टार। बॉलीवुड के टॉप हीरोज फुल एटीट्यूड में नजर आए, तो बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस नजर आई हॉट एंड ग्लैमरस। सेक्सी हॉट एंड ग्लैमरस अवार्ड फंक्शन में बहुत कुछ हुआ खास, जिसकी एक हाईलाइट जूम आपको अपनी स्टोरी में देने जा रहा है। हाईलाइट नंबर वन, ब्लैक ऑब्सेशन। आपको यकीन ना हो तो नजर डाल लीजिए जरा इन विजुअल्स पर। जहां सलमान ब्लैक शर्ट में थे, वहीं रणबीर ब्लैक टी शर्ट में, और तो और करीना कपूर और दिया मिर्जा भी ब्लैक गाउन में। इसके अलावा भी बाकी कई सेलिब्रिटीज ब्लैक में ही नजर आए। तो कुल मिलाकर ब्लैक ऑब्सेशन इस अवार्ड फंक्शन में छाया रहा। हाईलाइट नंबर टू, रणबीर और करीना की मुलाकात। देखिए जरा कैसे मिल रहे हैं दोनों भाई बहन, मानो बरसों से ना मिले हो। मीडिया के शटर बक्स के सामने ही दोनों ने एक दूसरे को हग किया, और किस भी, और दोनों का ये मिलाप बन गया इस इवेंट का एक स्पेशल हाईलाइट। हाईलाइट नंबर थ्री, मधुर अपनी हीरोइन पर फिदा। मधुर भंडारकर पर तो मानो करीना ने जादू कर दिया हो। जब तक रहे सिर्फ करीना और अपनी फिल्म हीरोइन की बातें करते रहे। हीरोइन अभी 15% खत्म हुई है, बहुत ही अच्छी बनी है, शूटिंग चालू है नॉन स्टॉप, और मेरे ख्याल से अप्रैल तक खत्म हो जाएगी पिक्चर। और तो और, जब ये पूछा गया कि अपनी फिल्म में वो आइटम नंबर किससे करवाना चाहते हैं, तो मधुर तो बस बोल उठे, करीना 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 करीना। हाईलाइट नंबर फोर, सोनाली बेंद्रे मधुर भंडारकर के पीछे। सोनाली बेंद्रे न जाने मधुर भंडारकर की कौन सी फिल्म साइन करना चाहती है, वो तो उनके पीछे ही पड़ी रही। बातों का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। देखिए तो सही, आखिर में मधुर को ही बोलना पड़ा कि प्लीज मुझे मीडिया से बात करने दीजिए और अलविदा कीजिए। हाईलाइट नंबर फाइव, पूनम पांडे का शो ऑफ। देखिए तो सही, पूनम पांडे क्या दिखा रही हैं? जानबूझकर उस तरह के एंगल में खड़ी हो रही हैं कि जहां जो कवर नहीं होना चाहिए वो भी कवर हो जाए। We hope you're getting what we wanted to say। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अपने आप को धुला हुआ चावल मानती है पूनम पांडे। मैंने इसके पहले कौन सा कभी न्यूड फोटो शूट किया।